इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के उपखंड अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से टेस्ट मॉडल सेट सीरीज का पहला सीरीज यहां प्रारंभ किया जा रहा है। देखिए, जैसा कि वीडियो में पहले भी बताया जा चुका है कि ये सभी टेस्ट मॉडल सेट सीरीज आप देख लेते हैं तो आपका गणित में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटने वाला है जो आगामी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए आइए समझ के साथ यहाँ प्रारंभ करते हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर जानेंगे और यहाँ पर विस्तार समझेंगे। पहला प्रश्न, दो संख्याओं ए और बी का लसा 36 है तथा मौसा 2 है, तो ए क्या है? यहाँ देखिए, तो यहाँ हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लस गुना मस, ये होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, पहली संख्या या दूसरी संख्या कुछ भी मान ले, ए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा लस एल सी एम गुना मस एच सी एफ बटा दूसरी संख्या बी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या दिया हुआ है, एल सी एम है 36, एच सी एफ है 2 और बटा है। यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है क्योंकि इसमें ए बी में से कोई एक देना होगा प्रश्न को, तो विकल्प के अनुसार हमने इसमें कुछ सुधार किया है। ए पूछ रहा है और बी इसमें यदि 18 दिया रहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 18, अब ये 18 कट जाएगा तो क्या होगा, 18 × 36 तो क्या हो जाएगा, 4। तो दिए गए विकल्प में 24 में इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब अगला प्रश्न, 5, 15 और 20 के लस और मस का अनुपात है, तो सबसे पहले तो लस निकाल लेंगे और फिर मस निकाल लेंगे। तो यहाँ 5 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 5 ही होगा, यहाँ 15 को लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो 3 × 5 होगा, और यहाँ पर 20 को लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो 2 × 2 × 5 होगा। अब इसका एच सी एफ, तो एच सी एफ जो सब में है 5 सब में है, तो एच सी एफ हो जाएगा 5 और एल सी एम हो जाएगा, इसके लिए मैंने अलग वीडियो बना दिया है, तो 5 × 3 × 2 तो हो जाएगा एल सी एम 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 60 हो जाएगा, ये हो गया। अब कह रहा है कि दोनों का अनुपात, तो दोनों में देखते हैं कि पहले क्या कह रहा है, तो पहले है लस बाद में है मस, तो लस को ऊपर रखेंगे 60 और नीचे है एच सी एफ अर्थात मस 5, तो ये कट गया, कितना हो गया 12, ये बचेगा 12/1 तो हो जाएगा अनुपात कितना 12:1, तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा डी 12:1। 26 नंबर प्रश्न, अगर x एक भाज्य संख्या है तो P1, P2, P3, PN के रूप में गुणनखंडित किया जाता है तो P1, P2, PN को कैसी संख्या कहते हैं? विकल्प ए है अभाज्य, बी है सम, सी है विषम, डी है भाज्य। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ए अभाज्य, अर्थात ये एक तरह से अभाज्य गुणनखंड का रूप होगा। 27 नंबर प्रश्न, 4^n के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए? तो देखिए, कोई संख्या जो है शून्य पर कब समाप्त होती है, तो जिसमें 2 के अलावे गुणनखंड के रूप में 5 भी आए, यहाँ कह रहा है 4^n के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे कौन सी संख्या गुणनफल के रूप में होनी चाहिए? तो उत्तर होगा सी, यहाँ पे 27 का उत्तर सी हो जाएगा 5। 28 नंबर प्रश्न, यदि प्रथम
13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। यहाँ खाली स्थान है, किससे भाज्य होगा, यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है। तो चलिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। 28 में दिया हुआ है 13,986। यहाँ यदि इसको खंड किया जाए तो क्या होगा, दो से भाग लगेगा क्योंकि ये क्या है, सम है, तो हो जाएगा 6,993। यहाँ अब क्या होगा, ये तीन है, तीन से होगा यहाँ, तो हो जाएगा 2,331, ये होगा। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 2 × 3 × 3 × 1। अब कह रहा है कि ये जो दी गई संख्या है यहाँ पर किससे विभाजित होगी, तो 2 और 3 तो इसमें है नहीं, तो क्या करेंगे, 2 3 के जगह पे क्या होगा, 3 × 2 = 6, तो यहाँ 6 विकल्प दिया हुआ है, उत्तर होगा 28 का ए। प्रश्न नंबर 29, अगर P और Q दो अभाज्य संख्या है तो अंडर रूट PQ क्या होगा, चलिए इसको सत्यापित करते हैं, चेक करते हैं। 29 नंबर प्रश्न, P बराबर मान लिया जाए कि 2 है और Q बराबर मान लिया जाए 3 है, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 × 3 क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 6, तो 6 क्या हो गया, अपरिमेय। पुनः P बराबर मान लिया जाए कि 3 है और Q बराबर भी मान लिया जाए कि 3 है, तो इस स्थिति में अंडर रूट PQ, यहाँ PQ को देखा जाए तो क्या होना चाहिए, 3 × 3, और 3 तिया क्या होगा, 9 होगा, और 9 का क्या होगा, यहाँ वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया परिमेय। अब देखेंगे यहाँ विकल्प है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ए एवं बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों है। अब यहाँ अगला प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। देखिए यहाँ किया जाए 30 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो यहाँ अभाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटी 2, और सबसे छोटी भाज्य, भाज्य का मतलब जो विभाजित तो हो स्वयं और एक को छोड़ के किसी अन्य तीसरे से, तो कौन सी संख्या होगी, 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 4, तो यहाँ कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, तो 2 × 4 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, तो 30 का सही उत्तर होगा सी, 8। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा, क्रमिक, क्रमिक का मतलब लगातार, और सम, जैसे मान लिया जाए कि एक 10 है तो दूसरा 12, एक है 2 तो दूसरा है 4, एक है 8 तो दूसरा है 10, ये क्रमिक सम संख्या है, तो कह रहा है किसी एक का, किसी का भी क्या होगा, HCF निकालना है, तो ऐसे में इसका HCF होता है 2, HCF 2, आप किसी भी युग्म का निकाल के देख सकते हैं, HCF हमेशा 2 ही आएगा, तो उत्तर होगा यहाँ पर बी 2। 32 नंबर प्रश्न, अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से, अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से, अब क्या होगा, 1 है, 100 है, अनेक हैं, 0 है, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा सी, अनगिनत रूप से अनेक हैं, अनंत हैं। प्रश्न नंबर है 34, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, यहाँ जो दिया हुआ है उसमें से अभाज्य मतलब जो विभाजित न हो, तो यहाँ पे 25 5 से, 15 5 3 दोनों से, 16 4 2 से, 29 ये किसी से नहीं विभाजित होगा, तो 34 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, 29 अर्थात ए इसका सही विकल्प हो। फिर हम लोग इसी अध्याय के अगले टेस्ट मॉडल सेट सीरीज का परिमेय और अपरिमेय संख्याएं
इस उपाध्याय से 10 से 15 प्रश्न करेंगे। समझ के साथ धन्यवाद।